वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी सोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक पेड़ से लाखों तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को जला देती है। सेम उसी तरह से अगर आपके मन में कोई भी एक नकारात्मक या गलत विचार आया तो आपके लाखों सपनों को वो चकनाचूर कर सकता है। इसका परिणाम अब आप लोग समझ सकते हैं वो कैसे। अगर आपने कोई एक गलत कार्य कर दिया तो हो सकता है लाइफ में आपके जो लाखों सपने हैं वो उसी में चौपट हो जाए। तो ऐसा कुछ ना करें। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 7 अभ्यास, कौन सा है भाई ये 1E, अभ्यास 1E का सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पिछली क्लास में देख लिया था आपकी 86-88 क्लास में कौन सी थी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं मिलेगी तो संपर्क करिएगा, ऊपर नंबर दिया गया, कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन था, एक बाग में x+2i पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x+2i पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पहला, बाग में कुल कितने पेड़ हैं? दूसरा, यदि x=3 y=2 तो पेड़ों की संख्या क्या है? जी हाँ, बिल्कुल दो सवाल है यहाँ पे। जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक बाग है, हाँ ठीक है, जिसमें 5 पंक्तियां हैं। पंक्ति मतलब जानते हैं लाइन। एक बाग है जिसमें 5 लाइन में पेड़ लगे हैं और एक लाइन में 3 पेड़ लगा है, तो कुल कितना पेड़ है? आप सिंपल सा काउंट कर लेते कि 3 पेड़ है एक लाइन में, 5 लाइन है तो 3×5=15 पेड़ हो गया। लेकिन अगर उसमें कह दिया जाए कि 2x लाइन है और x पेड़ लगे हैं, तो अब आप बोलेंगे x y का अतिक्रम कैसे करेंगे? जी अभी बहुत आसान होता है भाई, इधर देखिए सभी लोग, सेम वैसे ही करेंगे जैसे उसका गुणा करके हम लोग 15 निकाल लेते हैं ना, 3×5=15, वैसे ही करेंगे। तो पहला सवाल का हल देखिए, नंबर 1 का हल हम लिखेंगे बाग में, आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप कक्षा 7 के हैं तो, बाग में कुल पंक्तियां इक्वल x+2i, फिर नीचे लाइन में लिखेंगे प्रत्येक लाइन में या पंक्ति में पेड़ों की संख्या x+2i। अब आपको करना क्या है, कितने पेड़ लगे हैं? अब आप यहां नीचे लिखेंगे कुल पेड़ इक्वल, गुणा कर लीजिए इन्हीं सभी का, बस हो गया। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स का एक्स में मल्टीपल करेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स का 2y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, फिर +2i का गुणा एक्स में करेंगे तो ये 2xy, और फिर जब आप 2y का गुणा इसमें करेंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा 4y2। समझ गए ना? अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो बेसिक क्लास इसकी पहले हो चुकी उसको देखिए, क्योंकि अब आप टॉप में पहुंच चुके हैं 7 में, कक्षा 4-3 वाली गणित देखिए, उसमें ये समझाया जाएगा अच्छे से। ये देखिए 2xy, और 2xy क्या है? सजातीय पद है, लाइक फ्रैक्शन, आपने डेरर की क्लास में देखा होगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जुड़ने के बाद ये एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे भाई? दो जुड़ेंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा अवश्य। तो ये दो जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे, और ये 4xy हो जाएगा, और प्लस ये जो 4y का स्क्वायर है ना, ये ऐसे रहेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा x²+4xy+4y² पेड़ लगे। लेकिन अब आपके ये समझ के बाहर जा रहा होगा, ऊपर उड़ रहा होगा कि ये भला कोई पेड़ों की संख्या है? जी बिल्कुल, यही संख्या आपके बुक में भी दिया होगा आंसर, आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया एक आंसर, लेकिन दूसरा जो आंसर आएगा वो आपके समझ में आएगा। देखिए दूसरा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपके समझ में आएगा पक्का गारंटी के साथ। दूसरा कह रहा है कि यदि x=3 और y=2 तो पेड़ों की संख्या क्या होगी? अब ये संख्या आपके पल्ले पड़ेगी, लेकिन ये x और y कहां हम करेंगे क्या? इसको उसी में ढकेल के रखेंगे जो आया है समीकरण, x+4xy और प्लस ये 4y² ना, कह रहा x=3, ये हो गया 3, x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 और धन 4 और ये 2 का स्क्वायर,
क्लियर है, ये तीन तरीका नौ और ये हो गड़बड़ हो रहा है। चार तो मैंने लिखा, एक्स का मान तो नहीं रखा ना, ये तीन रहेगा बाबू। चार तिया बारह दूना चौबीस और ये दो दूना चार और चार का गुणा करेंगे तो सोलह। जोड़ लीजिए सभी को, हो गया काम कंप्लीट। सोलह में नौ जोड़ेंगे तो सोलह चार बीस, पांच पच्चीस है ना, और पच्चीस में चौबीस जोड़ेंगे तो पच्चीस पच्चीस पचास और ये हो जाएगा उनचास, है ना मजेदार सवाल। यानी कि उस बाग में उनचास पेड़ लगे थे। यहाँ पेड़ की बात आई तो आपसे हमारी एक विनम्र प्रार्थना होगी कि आपके जहां भी कहीं स्पेस हो एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाइक या फिर कार या और अन्य वाहन आपके घर में कई होंगे लेकिन पेड़ नहीं होंगे, और उनमें से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाली विषैली गैस निकलती है ना, एक दिन ये जिंदगी के लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग सोचते होंगे ये पढ़ाई की क्लास है तो बीच में कहां से बकवास बोलने लगते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और हाँ, वो जो डिब्बा वाली ऑक्सीजन होती है ना मेडिकल कॉलेज की, उस ऑक्सीजन से काम नहीं चलने वाला धरती पे, तो इसलिए पेड़ अवश्य लगाए। आगे सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई मीटर लंबी है। वर्गाकार मतलब जानते हैं, जितना लंबा हो उतना चौड़ा हो, यानी जितने इधर लंबा हो उतने उधर। अब कैसे आप समझेंगे, इसके लिए आप ये चित्र देख के समझ जाएंगे। ये एक मान लेते हैं कि वर्ग आकार का खेत है। अब ये मत कहिएगा कि ये बोर्ड में खेत कैसे आ गया आपके, मैथ में माना जाता है। ये क्या है, ये वर्ग आकार खेत है। ये मानते चार है तो ये भी चार है और ये भी चार है, नहीं, चार चार करने से हो जाएगा गड़बड़। ये जो उसमें दिया वही रखिए, 3x प्लस वाई और फिर ये भी क्या होगा 3x प्लस वाई और ये भी 3x प्लस वाई और ये भी 3x प्लस वाई। थोड़ा फारसी में लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा हिंदी में, ठीक है। कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो इतनी दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है। आप बिना किसी सूत्र के समझ सकते हैं इसको, एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब हम लोग लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल तो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल हम लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं लिख सकते क्या, उसका भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं जो दुनिया में गलत काट देगा, लेकिन आसान होने के लिए उसको भुजा का स्क्वायर लिख दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी भुजा जो ये है वही ये भी होती है। तो मान लेते हैं ये चार है ये भी चार है तो क्या हो जाता है, चार का स्क्वायर। अगर आप लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे तो क्या होगा, वो भी आप चार और चार लिखेंगे ना, क्योंकि ये लंबाई मानेंगे चौड़ाई मानेंगे तब भी तो वही होगा। तो कुल मिलाकर के ये जान लीजिए, किसी भी आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है, बस। ये कंफ्यूजन आज से खत्म कर दीजिए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, दोनों का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आप लगा सकते हैं दोनों में वही उत्तर आएगा। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल भुजा का स्क्वायर या लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे हम लिख देते हैं इंग्लिश में साइड का होल स्क्वायर। साइड मतलब होता है भुजा, ये साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भुजा दी गई थी वो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर दी गई थी, होल स्क्वायर मतलब इसको उसी से ही उतने से ही गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, आप लोगों के सामने जो कुछ है सब प्रदर्शित हो जाता है, इसमें कोई कट पिट कोई मिस्टेक नहीं है, आपके सामने है जो भी है ताजा ताजा दिख रहा है आपको। तीन का इसमें गुणा करेंगे 3x में तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, और 3x का गुणा करेंगे y में तो ये 3xy, और धन y का गुणा करेंगे 3x में तो 3xy, और y का गुणा y में करेंगे तो y का स्क्वायर। अब ये आपका जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y का स्क्वायर, समझ गए ना। यानी कि जो वर्गाकार खेत की भुजा है वो तो दी थी, उसका क्षेत्रफल 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, जिनको जिनको छापना है वो छाप ले फटाफट,
लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो उत्तर हो गया, बट अभी ये तरीका गलत है। वो क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना था ना, तो क्षेत्रफल बाबू आप हमेशा क्या लिखेंगे, वर्ग में स्क्वायर, या फिर आप इसे मीटर का होल स्क्वायर लिख दीजिए। मीटर का होल स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भुजा जो दी थी ना, ये देखिए मीटर में दी थी, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या आता है, स्क्वायर में आता है, उसका मात्रक, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, बाकी तो सब सोचते ही नहीं है, ये मानते हैं हाँ होता है, होता लिख दिए, क्यों होता है नहीं सोचते हो, लेकिन सोचना चाहिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये मीटर का स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली बात ये होती है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई, और जब मीटर का मीटर में गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, दो बार हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। समझ गए ना? तो कोई भी चीज अगर आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे, गहराई से समझेंगे, तो आपके लाइफ में वो काम देगी हर जगह, और आप कभी भूलेंगे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर अगली क्लास देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं देखना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अनएकेडमी पर फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, और पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिससे आप ये क्लास मौज मस्ती के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ फेसबुक पर भी देख सकें। तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। कृपया इस क्लास को अपने 5 मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में एक बार में 5 लोगों को शेयर होता है। नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करें यूट्यूब में, और इसको व्हाट्सएप पे ले जाएं और घसीट करके 5 लोगों के पास पहुंचा दें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अगर आपको हर क्लास नहीं मिल रही, हर दिन की क्लास नहीं मिल रही है, तो व्हाट्सएप नंबर 9793484448 पे कांटेक्ट करें, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नंबर आप डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।